स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, वैलकम है जी सारिया का। सो जे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तुसी स्टडी वीजा वास्ते तो अज का इशू जरूर देखो। ऑस्ट्रेलिया की कॉस्ट से डिस्कशन करांगे, किन्नी कॉस्ट आती है, पहले नालों जो कोई चेंज होए है तो कॉस्ट नू किस तरीके नाल घटाया जा सकता है। सो जिहड़े स्टूडेंट्स नवे जुड़े ने उन्होंने मैं दसदा इस प्लेटफॉर्म से इमीग्रेशन नाल जुड़े हुए प्रोमीनेंट मुद्दे ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि लेटेस्ट अपडेट्स भी असीं थोड़े नाल रेगूलरली शेयर करते हैं। सो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करके रखो। अज के साडे गैसट ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कंवर, जिन्हां नू तुसीं वख-वख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी देखते हो। स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों नू मेरे वल्लों सत श्री अकाल। सो कंवर साहब, ऑस्ट्रेलिया के जिहड़े स्ट्रक्चर है इकनोमिकल, की उहदे च कोई चेंजेस आए ने कोविड तो बाद, किन्ना क खर्चा हो जाता है ते खर्चा बचाने का कोई तरीका हैगा? देखो कैन ऑस्ट्रेलिया दे विच जिहड़ी कॉस्ट है उहनू आपां बहुत ज़्यादा किते भी नहीं बचा सकते, बिकॉज स्कॉलरशिप्स दा जिहड़ा पैटर्न है वो भी लिमिटेड हुंदा है। सिर्फ फर्क आया कि तुसीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन्हां दे विच खर्चा जरूर बचा सकते हो। यूनिवर्सिटी दीआं फीसां ना ना करदे भी $25,000 दे आसपास चल जांदियां ने, 30 तक जांदियां ने, और कॉलेजिज़ दे जिहड़े खर्चे ओह 20,000 या उस तों थले थले सिमट सकते आ। सो आ इक वड्डा फर्क जिहड़ा है तुसीं उहदे च पा सकते हो। बट जदों कॉलेजिज़ सिलैक्ट करने आ तां बहुत ध्यान रखण की लोड़ है। सब तो पहली चीज जी जरूरी है वह लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन अगर थोड़ी रीजनल होगी तो डेफिनेटली सक्सैस रेट थानू बहुत वड्डा होगा। दूसरी चीज़ है कॉलेज का असैसमेंट लैवल। सो कॉलेज का असैसमेंट लैवल जरूर कोशिश करो कि 1 हो। अगर असैसमेंट लैवल 1 है तो थोड़े सक्सैस रेट के चांसिज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। 2 है दैन ऑलसो इट्स फाइन, बट इट डिपेंड्स कि किदा का इंस्टीट्यूट है, किन्नी को क्रेडिबिलिटी है, किन्ना क वड्डा या किन्ना क छोटा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि तुहाड़ा कोर्स। सो जे तुसी कॉलेज दे विच डिप्लोमे च जा रहे हो सक्सैस रेट बहुत घट रहेगा, पैसे इदा दे बचाउण दा कोई फायदा नहीं। हो सकता कोर्स $10,000 या $7,000 का मिल जाए। जरूरी की है कि जो तुसी कॉलेज भी जा रहे हो तो तुसी घट्टो घट बैचलर्स प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम च जाना। बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम च जाने हो फिर तुसीं 100% एक्सपैक्ट कर चल सकते हो कि वीज़ा दे चांसिस बहुत हाई या बहुत स्ट्रोंग रहेंगे कंपैरेटिवली एनी अदर कॉलेज। सो कैन ऑस्ट्रेलिया दे विच जिहड़ा खर्चा है वो इत्थे वड्डा बचदा है। दूसरी जिहड़ी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया दे विच फंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कंपैरेटिवली किसी भी होर कंट्री दे। सो बहुत सारे बच्चे पहला ऑफर लैटर मंगा के फिर फंड का प्रोसैस शुरू करना चाहते हैं। सो एडवाइस दैम कि अपने फंड की प्रैपरेशन पहला शुरू कर लिया करो, बिकॉज GT एक लंबा प्रोसैस हो जाता है अगर तो फंडिंग के उत्ते प्रॉपरली जिहड़ियां डॉक्यूमेंटेशंस है वो रेडी नहीं किया। सो कंसल्टेंट दे नाल इह जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हां दा ध्यान रखोगे तो काफ़ी सारी कॉस्ट और समा दोनों तुसी ऑस्ट्रेलिया लई बचा सकते। कवर सर, डिप्लोमे च तुसी क्यों अवॉइड करा रहे हो स्टूडेंट, की नुकसान? नहीं सर, सक्सैस रेट घट मिलेगा। इस टाइम हर एक कंट्री बच्चे नूं इंटरनेशनल स्टूडेंट तो वो एक स्ट्रोंग एजुकेशन चाहती है, और जो तुसी डिप्लोमे च अप्लाई करते हो तो उन्होंने कित ना कि जो मकसद है वह पढ़न का घट तो ऑस्ट्रेलिया वड़न का ज़्यादा लगता है, जिन्हों की वो ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। और दैट इज़ अ रीज़न, अगर तुसी ग्रेजुएशन लिए एक कमिटमेंट शो करते हो तो कित ना कि वीज़ा ऑफिसर तुहानू सीरीयसली होगा, क्योंकि उस तो वधिया एजुकेशन होर बंदा की कर सकता है उस कंट्री से जाके। सो कोई सवाल है जी तो 90238 90238 दे कॉल करके क्लैरिफिकेशन भी तुसी ले सकते हो। तुहानू थैंक यू। स्टडी वीजा दे मुद्दे ते मैं बनांगा तुहाडी आवाज कंसल्टेंट पुछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब।